हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में चाय और कॉफ़ी दोनों बहुत अहमियत रखता है। सुबह उठ करके हम सबसे पहले चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो आज मेरा जो रिसर्च है इसी पे आधारित है और हम इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे कि क्या यह फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। तो आइए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक छोटा, अब आगे हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल ऐसा माना जाता है कि कॉफ़ी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है। ऑब्वियस है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ बुरा पहलू होता है। तो कॉफ़ी किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ही अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कभी कभी ये नुकसानदेह है। हम आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसी तरह से चाय भी है, चाय का भी अपना फ़ायदा है, चाय का अपना नुकसान है। जैसे हम जानते हैं कि चाय जो है बहुत तरह का होता है और उस सभी तरह के चाय के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे कौन कौन सा तत्व पाया जाता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे इसमें ग्रीन टी हो गया, नींबू वाली चाय हो गई, हरी जो काली मिर्च डालकर हम चाय पीते हैं वो हो गया। तो इस तरह की चाय जो है वो कैसा है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात है कि कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी वो और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये कॉफ़ी में क्यूनाइन और क्लोरोजेन एसिड पाया जाता है और ये रेडिक्स को मारता है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट होता है। यहाँ पे चाय, ये जो कॉफ़ी है, ये फ़ायदेमंद है। दूसरा है कि जो रिसर्च में पाया गया है कि चाय कॉफ़ी जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए, यानी कि जो हृदय रोगी होते हैं या स्ट्रोक्स के लिए, ये अच्छा माना गया है। जो नए रिसर्च में आया है कि कॉफ़ी और चाय जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा माना गया है। दूसरा है कि ये जो शुगर लेवल है, चाय के जगह अगर जो आपको डायबिटीज़ है तो आप चाय के जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी में जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम ये करता है। चाय चाय में ऐसा नहीं होता, कॉफ़ी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसके खतरे को कम करता है। दोस्तों, बहुत बार हम जानते हैं, हमने सुना भी है कि ग्रीन टी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि शरीर के मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है, जिससे कि वज़न जो है, वज़न अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपके वज़न को वो कम करता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ग्रीन टी जो है उससे आपके कैंसर के खतरे को भी ये कम करता है। तो हमेशा ग्रीन टी पीना जो है वो बहुत अधिक फ़ायदेमंद माना गया है। अगर हम एक बात करें कि जो चाय और कॉफ़ी हमें कितना पीना चाहिए, तो बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा 6 कप 7 कप पीते हैं। नहीं, 2 या 3 कप, 2 कप आइडल माना गया है, 3 कप तक आप पी सकते हैं। दोस्तों, एक इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो है कैफीन। ये रिसर्च में पाया गया है कि चाय में जो होता है वो उसमें कैफीन ज़्यादा होता है, लेकिन बनने के बाद चाय में जो है कैफीन कम हो जाता है और कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है। कैफीन जो है आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसको दोस्तों, इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि आप चाय या कॉफ़ी लिमिट में पिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, अगर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।